आज हम कहानी कौन सी पढ़ेंगे, तीसरी वाली ना इस किताब की। कहानी का नाम है, क्या नाम है? द गर्ल्स इन द पार्क। द गर्ल्स इन द पार्क, लड़कियां जो पार्क में, कुछ लड़कियां हैं उन्हीं के बारे में कहानी है। ठीक है, देखो पढ़ो। ये दो लड़कियां हैं ना, देखो। टू गर्ल्स हैड अ फाइट व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क। तो टू माने क्या होता है? दो। गर्ल्स माने लड़कियां, हैड अ फाइट मतलब लड़ाई हो जाती है, व्हाइल माने जब, प्लेइंग इन द पार्क जब ये पार्क में खेल रही थी दो लड़कियां, तो इनके बीच में क्या हो जाती है? फाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइट। फाइट मतलब लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। ठीक है, द अदर गर्ल्स टुक साइड्स एंड सून टू ग्रुप्स वेयर फॉर्म्ड। देखो क्या होता है, जो अन्य लड़कियां भी पार्क में थीं, कुछ इनके साइड हो जाती हैं, कुछ इनके साइड हो जाती हैं, तो दो ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह बन जाते हैं। दो लड़कियों के क्या बन जाते हैं? दो समूह बन जाते हैं ना। सून टू ग्रुप वेयर फॉर्म्ड, दो समूह बन जाते हैं। ठीक है, देन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ गर्ल्स वेंट टू अ बिग मीन गर्ल एंड सेड कम टू आवर पार्क एंड ट्रबल अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो जो ये फर्स्ट ग्रुप था लड़कियों का, ये कहाँ चला जाता है? एक वेंट टू अ बिग मीन गर्ल, एक बड़ी दुष्ट लड़की के पास चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बिग मीन गर्ल। बिग माने बहुत बड़ी, और मतलब मीन माने दुष्ट, गर्ल माने लड़की। एक दुष्ट, बहुत दुष्ट लड़की होती है, उसके पास पहला ग्रुप क्या चला जाता है? जाता है। और दूसरे ग्रुप से क्या कहता है? सेड माने कहता है कि कम टू आवर पार्क, हमारे पार्क आओ। क्या करो? हमारे पार्क में आओ। हाँ, और ट्रबल अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो और उस ग्रुप को ये लोग क्या करते हैं? परेशान करते हैं। अब ये वाली लड़की कहाँ चली गई? एक बड़ी दुष्ट लड़की के पास चली गई, और इनको अपने पार्क में बुलाती है। जब ये लोग जाते हैं तो ये लोग इनको क्या करते हैं? बहुत परेशान करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, द बिग मीन गर्ल बलीड द सेकेंड ग्रुप ऑफ गर्ल्स बाई टेकिंग दियर स्वीट्स एंड टॉयज। जो बहुत दुष्ट लड़की थी, जो बिग मीन गर्ल थी, वो ब्लीड मतलब सबको परेशान करती है, दूसरे वाले ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप ऑफ गर्ल्स, सेकेंड ग्रुप की लड़कियों को बहुत परेशान करती है। कैसे? बाई टेकिंग माने लेकर, दियर स्वीट्स उनकी मिठाइयाँ भी ले लेती है, एंड टॉयज उनके खिलौने भी लेती है। पार्क में खेल रही होंगी तो कोई खाने का सामान लाया होगा, कोई खेलने का सामान लाया होगा ना, तो वो लड़की क्या करती है? दुष्ट वाली इनके सबके खिलौने और मिठाइयाँ क्या कर लेती है? ले लेती है। फिर क्या होता है? सून सी स्टार्टेड ट्रैवलिंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु हैड इनवाइटेड हर। और सून माने जल्दी ही, सी माने वही दुष्ट लड़की क्या कर देती है? स्टार्टेड माने शुरू कर देती है, ट्रैवलिंग माने परेशान करना, द फर्स्ट माने पहले ग्रुप को, पहले ग्रुप को भी, ऑफ गर्ल्स माने लड़कियों के, पहले ग्रुप की लड़कियों को भी परेशान करना शुरू कर देती है। हु माने जिन्होंने, हैड इनवाइटेड हर, जिन्होंने उसको बुलाया था, इनवाइटेड माने बुलाया था, तो उस लड़की को जिस ग्रुप ने बुलाया था, तो उस, जैसे इस लड़की ने बुलाया था उस लड़की को, बड़ी लड़की को, दूसरी लड़की को, तो वो लड़की इनको भी परेशान करने लगती है। ठीक है, इनको, इनके भी खिलौने और मिठाइयाँ सब लेती, इनको भी परेशान करती है। तो अब ये लोग कहते हैं, ठीक है, अब क्या कहते हैं? दे आस्क्ड हर टू लीव द पार्क। अब ये सब लोग कहते हैं, तुम जाओ, तुम पार्क से जाओ, तुम हम सबको परेशान कर रही हो। ठीक है, बट सी रिफ्यूज्ड, लेकिन वो दुष्ट लड़की इनकार कर देती है, रिफ्यूज्ड कर देती है कि नहीं जाऊंगी मैं, तुम सबको परेशान करूंगी। क्या कहती है? नहीं जाऊंगी मैं, तुम सबको परेशान करूंगी। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? दस आ स्मॉल फाइट काज्ड आ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर ऑल द गर्ल्स। इस प्रकार, दस माने इस प्रकार, आ स्मॉल फाइट, जो एक छोटी लड़ाई थी, दो लड़कियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, काज्ड माने कारण बन गई,
आल आउट ऑफ ट्रबल, बड़ी समस्या की, बहुत समस्या का कारण बन गई। फॉर ऑल द गर्ल्स, मैंने सभी लड़कियों के लिए, तो जो छोटी सी लड़ाई थी दो लड़कियों के बीच, वो सभी लड़कियों के लिए क्या बन गई, बड़ी समस्या बन गई। ठीक है, तो जो आपस में लड़ाई हो उसको आपस में निपट लिया करो, दूसरे को उसमें शामिल मत करो, नहीं तो तुमको भी बाद में परेशान करेगा। इसलिए लिखा हुआ है मोरल क्या है, ऐसे शिक्षा क्या मिलती कहानी से, थिंक बिफोर यू इन्वाइट ट्रबल। थिंक माने सोचो, बिफोर माने पहले, यू इन्वाइट ट्रबल, अगर तुम किसी समस्या को बुला रहे हो तो उससे पहले सोच लो कि कहीं कभी गलत आदमी से दोस्ती करने से पहले सोच लो कि उसका परिणाम क्या होगा ना। इसलिए आपस की लड़ाई आपस में डील कर लो और किसी दुष्ट आदमी को बीच में शामिल मत करो, नहीं तो वो तुमको भी बाद में क्या करेगा, परेशान करेगा। ठीक है, जैसे इस लड़की ने बुलाया था दुष्ट लड़की को, तो पहले तो उस लड़की ने इन्हीं को परेशान किया, बाद में इनको भी परेशान करने लगी थी, समझ गए ना। तो इस प्रकार थिंक बिफोर यू इन्वाइट ट्रबल, इसलिए पहले सोचो अगर किसी दुष्ट आदमी से दोस्ती कर रहे हो ना, समझ गए ना। अब अगली कहानी है साइमन एंड द बर्ड, ये हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है।